हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्लूड एनर्जी मिल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। वट इज़ फ्लूड एनर्जी मिल? क्या होता है फ्लूड एनर्जी मिल? फ्लूड एनर्जी मिल साइज रिडक्शन का एक इक्विपमेंट है जो कि किसी भी ड्रग्स, मटेरियल्स या पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करने में काम आता है। इस मिल में कंप्रेस्ड एयर या गैस को पास कराया जाता है जिसके कारण पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है और पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है और साइज रिड्यूस होता है। फ्लूड एनर्जी मिल को जेट मिल, माइक्रोनेजर्स या अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है फ्लूड एनर्जी मिल। फ्लूड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। फ्लूड एनर्जी मिल एट्रिशन और इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द मटेरियल इज सस्पेंडेड इन द एयर स्ट्रीम ऑफ हाई वेलोसिटी विच हेल्प्स इन द मिलिंग ऑफ फीड एज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। जो मटेरियल्स होता है उसको एयर स्ट्रीम की हाई वेलोसिटी के साथ उसको सस्पेंड कराया जाता है जो कि फीड मटेरियल्स को मिल करने में हेल्प करता है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और जिसके कारण उनका ब्रेकडाउन होता है और साइज रिड्यूस होता है। सिंस फ्लूड एनर्जी मिल रिड्यूसेज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स अप टू 5 माइक्रोमीटर, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोनाइजर। क्योंकि फ्लूड एनर्जी मिल पार्टिकल्स के साइज को 5 माइक्रोमीटर तक रिड्यूस कर पाते हैं इसलिए इसको माइक्रोनाइजर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फ्लूड एनर्जी मिल कंजिस्ट ऑफ एन एलिप्टिकल पाइप विच हैज अ हाइट ऑफ अबाउट 2 meters एंड डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 200 millimeters। फ्लूड एनर्जी मिल एलिप्टिकल पाइप को कंजिस्ट करता है जिसकी हाइट 2 meters तक की हो सकती है और डायमीटर का जो रेंज है वो 20 to 200 millimeters तक का हो सकता है। द मिल सरफेस मे बी मेड ऑफ आइदर सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील और टफ सिरामिक्स। फ्लूड एनर्जी मिल का जो सरफेस होता है वो स्टेनलेस स्टील या टफ सिरामिक्स का बना हो सकता है। यूजुअली मिल्स आर कंस्ट्रक्टेड सच डैट कॉन्टैक्ट सर्फेसिस आर मेयरली लाइनिंग्स विच कैन बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड इफ एक्सेसिवली एरोडेड आफ्टर यूज। यूजुअली मिल्स को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो उनका कॉन्टैक्ट सर्फेसिस होता है उनमें सिर्फ लाइनिंग होती है और जब इसको एक्सेस यूज कर लिया जाता है जिसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं उनको कभी भी रिमूव्ड या रिप्लेस कराया जा सकता है। ग्राइंडिंग नोज, द ग्राइंडिंग नोजल्स जनरली 2 to 6 इन नंबर्स आर लोकेटेड टेंजेंशियली इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजिज द इनिशियल पाउडर फ्लो पाथ। जो ग्राइंडिंग नोजल्स होते हैं वो 2 to 6 नंबर्स में हो सकते हैं और ये टेंजेंशियली को लोकेट कराया जाता है, इस तरीके से लोकेट कराया जाता है उस डायरेक्शन में कि वो जो इनिशियल पाउडर का फ्लो पाथ होता है उसको ये अपोज कर सके। नॉर्मली कंप्रेस्ड एयर ऑफ 600 किलो पास्कल्स टू 1 मेगा पास्कल्स इज यूज। नॉर्मली कंप्रेस्ड एयर जो होता है वो 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल तक यूज किया जाता है। इनर्ट गैस कैन बी यूज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द ऑक्सीडेशन ऑफ ससेप्टिबल कंपाउंड्स। इनर्ट गैस का यूज किया जा सकता है ताकि ससेप्टिबल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन को मिनिमाइज या एलिमिनेट किया जा सके। वेंचुरी फीडर इज प्रोवाइडेड इन द पाथ ऑफ द एयर फ्लो। अब जो एयर पाथ होता है एयर फ्लो का वहाँ पे वेंचुरी फीडर को प्रोवाइड कराया जाता है। एन आउटलेट विद अ क्लासीफायर इज फिटेड टू अलाउ द एस्केप ऑफ एयर। एक क्लासीफायर लगाया जाता है आउटलेट के साथ ताकि जो एयर्स होते हैं वो उससे एस्केप कर सकें। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फ्लूड एनर्जी मिल के पार्ट्स की नेमिंग की गई है। इसके बेस से कंप्रेस्ड एयर को दिखाया गया कि यहाँ से ये पास होता है और फ्लूड नोजल्स हैं जो कि 2 to 6 हो सकते हैं। यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर है वो पास होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं यहीं पे कोलिजन होता है उनका और का जो साइज रिडक्शन यहीं पे होता है। और जो एलिप्टिकल लूप पाइप है जो सर्कुलर शेप है यहाँ से जो है इसमें रोटेट होता रहता है, कंप्रेस्ड एयर जो है वो पास होते रहता है और जो पार्टिकल्स है वो रोटेट होते रहते हैं और इनका जो है साइज रिडक्शन होता रहता है। क्लासीफायर लगाया जाता है आउटलेट के साथ जिसमें साइक्लोन सेपरेटर या बैक फिल्टर को फिट किया जाता है और यहाँ से जो है एयर जो होता है वो यहाँ से स्किप कर जाते हैं। आउटलेट दिया गया है, फ्लूड एंड फाइन पार्टिकल्स यहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। फीड इनलेट, यहाँ से जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको फीड इनलेट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और वेंचुरी फीडर दिखाया गया है इस डायग्राम में, वेंचुरी फीडर को पाथवे में प्लेस कराया गया है जहाँ से एयर जो होता है वो फ्लो होता है। वर्किंग देखते हैं अब। पाउडर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द इनलेट ऑफ वेंचुरी
द एयर एंटरिंग थ्रू द ग्राइंडिंग नोजल्स ट्रांसपोर्ट द पाउडर इन द एलिप्टिकल और सर्कुलर ट्रैक ऑफ द मिल. इन द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ एयर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड ब्रेक. दस इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फोर्सेज ऑपरेट इन साइज रिडक्शन. द रिजल्टेंट स्मॉल पार्टिकल्स आर कैरिड टू आउटलेट एंड रिमूव्ड बाय साइक्लोन सेपरेटर और बैक फिल्टर्स. इसमें सबसे पहले पाउडर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनलेट वेंचुरी के जरिए, फिर उसके बाद कंप्रेस्ड एयर को ग्राइंडिंग नोजल्स के जरिए एंटर कराया जाता है, जो कि पाउडर को ट्रांसपोर्ट करता है एलिप्टिकल पाइप या सर्कुलर ट्रैक जो है मिल का उसके अंदर. अब जो एयर की टर्बुलेंट स्ट्रीम है उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और ब्रेक होते हैं. इसी प्रकार इम्पैक्ट और एट्रिशन फोर्सेज जो हैं वो साइज रिडक्शन में ऑपरेट होते हैं. साइज रिडक्शन होने के बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको एयर के द्वारा आउटलेट तक लाया जाता है और साइक्लोन सेपरेटर या बैक फिल्टर्स के द्वारा उनको रिमूव कर लिया जाता है. द कोर्सर पार्टिकल्स अंडरगो रीसर्कुलेशन इन द चैम्बर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ऑन वेट. दिस रीसर्कुलेटेड पार्टिकल्स कोलाइड अगेन विद न्यू इनकमिंग फीड स्टॉक पार्टिकल्स. द पाउडर रिमेन्स इन द मिल अंटिल इट्स साइज इज रिड्यूस सफिशेंटली. लेटर इट लीव्स वाया द सीव. हैंस फ्लूड एनर्जी मिल प्रोड्यूसेस पार्टिकल्स विद नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन. कोर्सर पार्टिकल्स जो कि साइज में थोड़े से बड़े होते हैं उनको रीसर्कुलेशन के लिए चैम्बर में भेज दिया जाता है. रीसर्कुलेटेड पार्टिकल्स जो नए फीड स्टॉक मटेरियल्स आते हैं उनके साथ ये कोलाइड करते हैं और जो पार्टिकल्स होता है उनका ब्रेक डाउन होता है. ये पार्टिकल्स तब तक मिल के अंदर बने रहते हैं जब तक सफिशेंटली इनका साइज जो है वो रिड्यूस नहीं हो जाए. बाद में इनको सीव की मदद से निकाल लिया जाता है. इसी तरह फ्लूड एनर्जी मिल जो है वो नैरो साइज के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है. समटाइम्स द पार्टिकल्स विच आर एंट्रैप्ड बाय द ड्रैग ऑफ गैस लीव द मिल एंड कैरिड आउट टू अ साइक्लोन सेपरेटर और बैक कलेक्टर फॉर साइज सेपरेशन. कभी कभी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो गैस के द्वारा एंट्रैप कर लिए जाते हैं और वो मिल से निकल जाते हैं और उन्हें साइक्लोन सेपरेटर या बैक फिल्टर के द्वारा उनको कैरी कर लिया जाता है ताकि इनका बाद में साइज सेपरेशन किया जा सके. यूजेज देखते हैं अब. पहला है इट इज एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन्स. फ्लूड एनर्जी मिल का यूज किया जाता है लगभग सभी ड्रग्स के पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स. सेकेंड इट प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑफ अल्ट्रा फाइन साइज. ये अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. मटेरियल्स ऑफ वेरिंग हार्डनेस प्रीफरली ऑफ मॉडरेट हार्डनेस कैन बी रिड्यूस्ड इंटू स्मॉल पार्टिकल्स. मटेरियल्स जिनकी हार्डनेस जो है वेरी करती हैं या फिर मध्यम हार्डनेस वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनके साइज को रिड्यूस किया जा सकता है स्मॉल पार्टिकल्स में. एडवांटेजेस देखते हैं अब. इट इज़ यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस सच एज सल्फोनामाइड्स विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स. जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग करने में काम आता है, जैसे कि सल्फोनामाइड्स विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स हो गया. देयर इज़ नो वेयर ऑफ द मिल एंड हैंस देयर इज़ नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट. फ्लूड एनर्जी मिल में किसी भी तरह का वेयरिंग नहीं होता और जिसके कारण किसी भी प्रोडक्ट का जो है कंटामिनेशन नहीं हो पाता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिलिंग कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज द गैस इज ऑपरेटिंग अंडर प्रेशर गेट एक्सपेंडेड इन द स्पेस. मिलिंग प्रोसेस के दौरान कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है क्योंकि गैस जो होते हैं वो प्रेशर के कारण जो खाली स्पेस होता है उसमें एक्सपेंड करने लग जाते हैं. इट इज एन एफिशियंट एंड क्विक मैथड फॉर प्रोड्यूसिंग पाउडर्स ऑफ पार्टिकल साइज 30 mm और इवन लेस. ये एफिशियंट और क्विक मैथड होता है जो कि पाउडर्स के पार्टिकल्स के साइज को 30 mm या इससे भी कम साइज के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है. डिसएडवांटेजेस देखते हैं. पहला है इट कैन नॉट बी यूज फॉर मिलिंग सॉफ्ट गमी एंड फाइब्रस मटेरियल्स. मिलिंग के लिए सॉफ्ट गमी और फाइब्रस मटेरियल का यूज नहीं किया जा सकता है. सेकेंड इट रिक्वायर्स एडिशनल मेंटेनेंस सच एज अ सोर्स फॉर फ्लूड एनर्जी एंड इक्विपमेंट फॉर डस्ट कलेक्शन देयरफॉर इट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव. फ्लूड एनर्जी मिल को एडिशनल मेंटेनेंस की भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फ्लूड एनर्जी या डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है. आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो. और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा.